मिस्टर राकेश सिन्हा। राकेश जी। उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे मुद्दे पर आज हम संवाद कर रहे हैं। मैं इसे बहस नहीं कहूँगा। ऐसे मुद्दे पर मैं संवाद कर रहा हूँ जिस पर इस देश में लंबे समय तक लंबी बहस की आवश्यकता है। जिस विषय को मैंने सभा के सामने रखा है वह विषय भारत की सामूहिक चेतना का विषय है। वह विषय पिछले 200 सालों से भारतीय मेधा उस विषय पर विमर्श कर रही है, लेकिन विमर्श की अल्पता के कारण जिस निष्कर्ष पर भारत को पहुंचना चाहिए था मन कर्म वचन से, उस पर हम देर से पहुंच रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना से अपने विषय को रखना चाहता हूं। 1783 में कालिदास की शकुंतला का अनुवाद विलियम जॉन्स ने किया था। यह वह काल था जब जर्मनी और जर्मनी के विद्वान अपनी नाट्य शैली को फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे थे। जर्मनी के नाट्य शैली पर फ्रांस का आधिपत्य था, फ्रेंच लिटरेचर का इतना आधिपत्य था कि जर्मन के लोग अपने आप को उसे का भाषाई शैली का गुलाम मानते थे। 1798 में फॉस्टर ने शकुंतला का अनुवाद विलियम जॉन्स के अंग्रेजी अनुवाद से जर्मन में किया और शकुंतला ने फ्रांस के विद्वानों के सैकड़ों साल के उस परिश्रम को, उस कठिनाई को दूर कर दिया और शकुंतला ने फ्रांस के विद्वानों को नाट्य शास्त्र का रास्ता बताया और उस समय से जर्मनी अपने शैली में फ्रांस की दास्ता से मुक्त हुआ। यह एक छोटी सी घटना है कि हमारी इस कालिदास के एक शकुंतला नामक नाटक ने जर्मन के साहित्य पर, जर्मन के विद्वानों पर क्या प्रभाव डाला। एक दूसरे पुस्तक का नाम लेना चाहता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र। सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया में कॉन्शसनेस पर डिबेट चल रहा है। न्यूरो साइंस बार बार चेतना के ऊपर शोध कर रहा है, विमर्श कर रहा है। भैरव विज्ञान तंत्र में 112 प्रकार के कॉन्शसनेस की बात कही गई है। शिव और पार्वती संवाद में पार्वती जी ने पूछा है शिव से कि हम स्पेस और टाइम से ऊपर जाकर किस प्रकार से यथार्थ को देख सकते हैं। उस पर शिव का उत्तर होता है पार्वती जी से, 112 प्रकार के मेडिटेशन से, साधना से हम टाइम और स्पेस की सीमा से, ट्रांसेंडिंग द टाइम एंड स्पेस, हम यथार्थ का की अनुभूति कर सकते हैं। तो भारत की जो यह ज्ञान परंपरा थी उसी ज्ञान परंपरा से संबंधित मेरा यह विषय है। उसी ज्ञान परंपरा पर जो आघात औपनिवेशिक काल में हुआ वह आघात कैसा था और क्यों था, 2 फरवरी 1835 को मेकाले ने ब्रिटिश सदन में, संसद में एक बात रखी, आई ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, आई कुड नॉट सी अ सिंगल बेगर, अ सिंगल थीफ। मैं भारत, पूरे भारत का भ्रमण किया, मैंने एक भी भिखारी और एक चोर नहीं पाया। सच्चे वेल्थ, सच्चे मोरल वैल्यूज, सच्चे हाई कैलिबर, क्या भारत का यह नैतिक मूल्य है,
क्या भारत के पास धन है, क्या भारत के पास वह कार्य करने की क्षमता है। कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हम भारत को कभी जीत नहीं सकते। फिर उस ब्रिटिश संसद के सामने मैकाले ने कहा, यदि भारत पर आधिपत्य स्थापित करना है तो वी हैव टू अटैक द वेरी बेड रॉक ऑफ इंडिया, उसकी कमर पर चोट करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट बेड रॉक, उसने आइडेंटिफाई किया, उसने चिन्हित किया। वह भारत की का जो बुनियाद है, दैट इज ए कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के वह सभ्यताई सांस्कृतिक जो विरासत है, जो उसकी उसकी ताकत है, उस पर अटैक करना पड़ेगा, उस पर आक्रमण करना पड़ेगा। फिर उसने एक रास्ता दिखाया। उसी संसद में, ब्रिटिश संसद में बोलते हुए मैकाले ने कहा, इसका एकमात्र रास्ता है कि हम भारत की ओल्ड एंड एंशियंट शिक्षा पद्धति को, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को हम अपनी शिक्षा पद्धति से विस्थापित कर दें। उसका परिणाम क्या होगा, उसने सदन को बताया। उसके कारण भारत के लोगों में एक हीन भावना के हीन ग्रंथि विकसित होगी, और जो भी फॉरेनर है, जो भी इंग्लिश है, वे उसे गुड एंड ग्रेटर समझेंगे, उसे अच्छा और महान समझेंगे। और ऐसा कहते हुए उसने भारत में शिक्षा पद्धति लाने की जो प्रस्ताव दिया, उसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। सभापति महोदय, उसका परिणाम क्या हुआ, मैं उस पर बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा, चूंकि हर हिंदुस्तानी उसके परिणाम को जानता है। महात्मा गांधी ने लंदन में 1931 में दिए गए अपने लेक्चर में कहा था कि आपने एक सुंदर वृक्ष को काट दिया है। वो भारत की उसी शिक्षा पद्धति की ओर इंगित कर रहे थे। उसी वर्ष बंगाल के महान दार्शनिक प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य ने आशुतोष मेमोरियल लेक्चर में कहा कि राजनीतिक दास्ता से तो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, लेकिन विचारों पर जो दास्ता है उससे मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। राजनीतिक दास्ता को समाप्त करना, राजनीतिक दास्ता को अनुभूति कर लेना, राजनीतिक दास्ता को देख लेना आसान होता है, लेकिन वैचारिक दास्ता को, संस्कृति की दास्ता को देखना, अनुभूति करना, उससे मुक्ति पाना कठिन होता है। ये दोनों ही संवाद 1931 का है, लेकिन ये दास्ता का प्रभाव कितना है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस विद्वता के साथ आपने काम किया है, आप जानते हैं कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, भारत में तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला एक पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 1 करोड़ पुस्तकें थी। द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसमें जितनी पुस्तकें थी उतना हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट था। सभी विद्वानों का मानना है कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में 2 से 7 लाख पुस्तकें थी, और हमारे पास उस वक्त 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट नालंदा विश्वविद्यालय में था। 10,000 में 8,000 छात्र थे, 2,000 शिक्षक थे। ये वो थे जो एक चींटी को भी मारना गुनाह मानते थे। शिक्षा का वह केंद्र जहां तिब्बत से, चीन से, अरब के देशों से छात्र शोधार्थी आते थे, बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दी। दुनिया के इतिहास में ज्ञान पर यह सबसे बड़ा हमला था। 8,000 छात्र, 2,000 शिक्षक मार दिए गए। खिलजी की सेना ने पूछा कि इन पुस्तकों में क्या है, बताने वाला कोई बचा नहीं था। आग 3 महीने तक लगी रही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आग लगा दिया गया, आग 3 महीने तक जली, यह तो घटना मात्र है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का पतन आग लगने से हुआ, लेकिन आग लगाया नहीं गया, आग वहां पहुंच गई थी।
सीजर भी चाहता था अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का पतन हो। वे सब लोग जो मानवीय चेतना से डरते हैं, जो मानव के संकल्प से डरते हैं, ज्ञान मानव में चेतना का विकास करता है, ज्ञान से मानव में संकल्प आता है। वही चेतना और ज्ञान ने तो दांडी नाम के साधु को, जो अर्धनग्न गंगा किनारे बैठते बैठे हुए उसने विश्व विजेता सिकंदर को चुनौती दे दिया कि मैं तुम्हें राजा नहीं मानता। वही ज्ञान की चेतना है जो अर्धनग्न गांधी को, जो आधे वस्त्र पहनकर जब ब्रिटेन गए तो मैं कहा, उन्होंने कहा मैं इसी वेशभूषा में राजा या रानी से मिलूंगा। गंगाधर शास्त्री गांधी से पहले बनारस के वे विद्वान साधक थे, लॉर्ड कर्जन ने उन्हें बुलाया, उनके वेशभूषा के लिए अधिकारी आए, बोले यदि कर्जन को मिलना है तो मैं इसी वेशभूषा में जाऊंगा, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय बनकर जाऊंगा, कर्जन को मिलना है तो कर्जन जिस वेशभूषा मिले, मेरी कोई शर्त नहीं है, शर्त हमारी यही है कि मैं भारतीय बनकर मिलूंगा। ये भारत है, ये ज्ञान केंद्रित सभ्यता है। तो जो मैं कहना चाहता हूं, हम में से कोई भी जाकर गूगल सर्च करे, जिसकी 1 करोड़ पुस्तकें, 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट, 8,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक मार दिए गए, जिस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे उस विश्वविद्यालय को जला दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को गूगल में सर्च कीजिए, 71,65,000 सर्च मिलेगा। अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय जिसमें सिर्फ 7,00,000 पुस्तकें थी, किसी की हत्या नहीं हुई, उसको सर्च कीजिए, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सर्च करेंगे 10,60,00,000, और अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो 3,40,00,000। 14 करोड़ सर्च उस पुस्तकालय के लिए होता है जिसका डिक्लाइन हुआ, हमें 14 करोड़ से समस्या नहीं है। यह यूरोप की सभ्यता का, विचारों का किस प्रकार से दुनिया पर अधिपत्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी के बारे में जानने की किसी को उत्कंठा नहीं है। सभापति महोदय, मैं गलत हो सकता हूं, यदि गलत होऊंगा तो मुझे कोई ठीक करे, हो सकता है मैं गलत ही हूं। मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के डिक्लाइन पर एक पुस्तक ढूंढी, एकमात्र पुस्तक मुझे गोखले इंस्टीट्यूट के डिजिटल लाइब्रेरी में मिला, हसमुख डी साकालिया की पुस्तक 1934 में कुछ पृष्ठों की लिखी हुई किताब है। और अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय के डिक्लाइन पर, उसके पतन पर मैंने पुस्तकों को ढूंढना शुरू किया तो कोई ऐसा वर्ष नहीं है, 19वीं शताब्दी को तो छोड़ दीजिए, 20वीं शताब्दी को छोड़ दीजिए, 21वीं शताब्दी में भी इतने सालों के बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं, 1990 में, 1996 में, 2003 में, 2007 में, 2008 में, 2011 में, 13 में, 18 में, 20 में अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय पर पुस्तक की लाइब्रेरी पर किताबें आई। ये दो घटनाएं किस बात को इंगित करती हैं? ये इस बात को इंगित करती हैं कि यूरोप का आधिपत्य इतना है कि जो यूरोप सोचता है, जो यूरोप में घटना घटती है, जो यूरोप समझता है, वही दुनिया की विचारधारा है। जो आप सोचते हैं, जो आपके यहां घटना घटती है, जो आपके यहां दर्शन है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड जितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी अधिक हो, वह दुनिया की विचारधारा नहीं है। इस घटना के द्वारा मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि कैसे यूरोप केंद्रित विचारधारा भारत पर हावी है। सभापति महोदय, स्वतंत्रता का जब संग्राम चला तो हमने राजनीतिक विरोध किया, हमने आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखा और कहा 500 मिलियन पाउंड ब्रिटेन ले जा चुका है। लेकिन दादा भाई नौरोजी से पहले भी 1841 में, 30 जुलाई 1841 से लेकर 7 नवंबर 1841 तक, 30 जुलाई 1841 से 7 नवंबर 1841 तक बॉम्बे गजट में
भास्कर पांडुरंग नाम के एक स्कॉलर ने 8 लेटर्स टू द एडिटर लिखा। संपादक के नाम लिखे गए 8 पत्रों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इतना प्रतीक्षात्मक बना दिया। उन 8 पत्रों में उन्होंने विश्लेषण किया किस प्रकार से ब्रिटेन कपड़ा उद्योग में, धातु उद्योग में एवं सभी उद्योगों में भारत को लूट रहा। और अभी उत्साह पटनायक जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, उन्होंने लिखा कि 49 ट्रिलियन डॉलर ब्रिटेन भारत से ले जा चुका, यानी हमारे अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का प्रभाव, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ब्रिटेन के प्रभाव का हमने मूल्यांकन किया, विरोध किया। लेकिन जब हमारी संस्कृति पर, शिक्षा पर प्रभाव हो रहा था तो दार्शनिक भाव में उसका विरोध होता रहा, वह भी सीमित रूप से उसका विरोध होता रहा। मैंने महात्मा गांधी का उल्लेख किया जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हुए आक्रमण पर ब्रिटेन में जाकर कहा कि आप ब्यूटीफुल ट्री, यू आर अटैकिंग ऑन ए ब्यूटीफुल ट्री, वी हैव कट डाउन ए ब्यूटीफुल ट्री। हमने केसी भट्टाचार्य की बात की जिन्होंने स्वराज इन आइडिया की बात कही। लेकिन संस्कृति पर जब आक्रमण होता रहा तो उस आक्रमण को हम सहते रहे। यही कारण है कि आजादी के बाद आज हमारी वैचारिक प्रक्रिया, हमारी विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका, हमारी कल्पना सभी यूरोप केंद्रित है। आज आवश्यकता क्या है? डीकोलोनाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं का डीकोलोनाइज करने की जरूरत है। हम कल्पना क्या करते हैं, हम बनना कैसा चाहते हैं? यदि यह रोल मॉडल अमेरिका और यूरोप बना रहेगा, किसी सभ्यता से कोई संघर्ष नहीं होता है। भर्तृहरि 5वीं शताब्दी के विद्वान थे। भर्तृहरि ने 5वीं शताब्दी में कहा ज्ञान की वृद्धि दूसरे संस्कृतियों और सभ्यताओं और विचारधाराओं से निरंतर संवाद से होता है। लेकिन उन्होंने एक अंत में सत्य रखा, जो लोग दूसरे से संवाद करते हैं क्या वे अपनी परंपराओं को जानते हैं? संवाद करने का नैतिक अधिकार, संवाद करने की क्षमता और संवाद का परिणाम उसी के पास होता है जो व्यक्ति अपनी परंपराओं को जानता है, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को जानता है। इस प्रकार भर्तृहरि के बाद यशो विजय ने ज्ञान सार नाम की पुस्तक लिखी, एसेंस ऑफ नॉलेज। उसमें 32 ऐसे विशेषताएं बताई गई जो एक विद्वान को, एक बुद्धिजीवी में होना चाहिए। उस विद्वान बुद्धिजीवी की इन 32 विशेषताओं में संवाद की शैली कैसी हो उसे बताने की कोशिश हुई। और मैं एक विद्वान को उद्धृत करना चाहता हूं, शांति देव। मैं इन तीनों को इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं, जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम भारत की ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो हम किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी को हटाना नहीं चाहते हैं, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हैं, हम सर्वसमावेशी होना चाहते हैं। शांति देव बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ऐसी पुस्तक लिखी जो शताब्दियों से उस पुस्तक की महत्ता है। उन्होंने कहा जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं अपनी संतुष्टि के लिए, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूं, मैं वही लिख रहा हूं जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, और सर्वांतः सुखाय और स्वांतः सुखाय के लिए पुस्तक मैं लिख रहा हूं। तो भारत की ज्ञान परंपरा में दो महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत का कोई भी दार्शनिक ब्रह्मांड से नीचे बात नहीं करता है। भूगोल की बात करेगा तो पृथ्वी की बात करेगा, चेतना की बात करेगा तो ब्रह्मांड की बात करेगा। दुनिया की सारी सभ्यताएं मानवीय चेतना पर टिकी रही, दुनिया की सारी सभ्यताएं सभ्यताओं के भूगोल पर टिकी रही। हमारी सभ्यता वैदिक काल से लेकर आज तक पृथ्वी को हमने अपना भूगोल माना और ब्रह्मांड को अपनी चेतना का कारण और परिणाम दोनों माना। इसे कहा जाता है कि हम में ब्रह्म है और ब्रह्म में मैं हूं। हमने अपने आप को ब्रह्मांड से अलग नहीं किया। उस सभ्यता और संस्कृति में ज्ञान पर ऐसा हमला, उस हमले का परिणाम, उसके दो परिणामों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।
सभापति महोदय, जब हेवेल ने कहा ईवी हेवेल, एचवी हेवेल आर्ट स्कूल ऑफ कोलकाता के प्रिंसिपल थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ काम किया था, हेवेल ने कहा कि एंग्लो इंडियन एजुकेशन हैज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, दैट ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसप्लांटिंग द इंटेलेक्चुअल इंप्रेशंस ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। एंग्लो इंडियन जो शिक्षा व्यवस्था, उसका एकमात्र उद्देश्य है भारत के लोगों में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में विमर्श चलता है, जो उनकी सोच है, जो उनकी दृष्टि है, उसी को छाप देना, भारतीयों को उसका कार्बन कॉपी बना देना, उसके अनुकूल सोचना, उसके अनुकूल व्यवहार करना, उसी को अपना आदर्श मानना। जब मैं बार बार विदेशियों को उद्धृत करता हूं तो मुझे लाला लाजपत राय का दुखी भारत में, अनहैप्पी इंडिया, आपको ध्यान होगा 1927 में कैथरीन मेयो ने भारत की आलोचना करते हुए यहां की महिलाओं की अवस्था, यहां के दलितों की अवस्था, यहां जाति व्यवस्था के परिणामों का जिक्र करते हुए, सुविधाओं के अभावग्रस्तता को उल्लेख करते हुए, मदर इंडिया में पुस्तक का नाम से तो लगता है जैसे कोई बहुत अच्छी पुस्तक हो, भारत की ऐसी आलोचना की, भारत की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जिस पर गांधी जी ने कहा था, दिस इज रिपोर्ट ऑफ ड्रेन इंस्पेक्टर, जो ड्रेन इंस्पेक्टर का रिपोर्ट है, आई डोंट रीड दिस बुक। एक तरफ गांधी ने किताब को खारिज किया, दूसरी तरफ लाला लाजपत राय ने उसी किताब का प्रतिवाद करने के लिए अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने जो लिखा, और आज जब मैं हेवेल को कोट किया, आज जब मैंने मेकाले को कोट किया, अपनी दुर्व्यवस्था के लिए भी और दुर्व्यवस्था से निकलने के लिए भी जब विदेशों को कोट किया, इस पर उन्होंने भी जब ऐसे लोगों को उद्धृत किया, तो उन्होंने लिखा, नथिंग इज मोर ह्यूमिलेटिंग देन हैव नेसेसिटी टू कोट फॉरेनर्स इन डिफेंस। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम विदेशियों को उद्धृत करते हैं। उन्होंने कहा, दिस प्रोसेस इटसेल्फ शोज द इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। यह प्रक्रिया स्वयं में दिखाती है कि हम इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं। लेकिन सभापति महोदय, विमर्श की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए, चाहे उद्धृत विदेशियों को करना पड़े, चाहे स्वदेशी चिंतकों को करना पड़े, हम उस विमर्श की प्रक्रिया को उस अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, इस सदन को उस अंजाम तक ले जाना चाहिए जिसे भारत एक सभ्यता के रूप में, जो ज्ञान की परंपरा, न्याय मीमांसा, मिथिला के एक गांव में न्याय मीमांसा आरंभ हुई, और न्याय मीमांसा पर जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, सारिस पाही गांव का नाम है मिथिला का, हाँ वही सरसा पाही नाम है, मनोज झा जी उसी के आसपास से आते हैं, उस गांव के नाम का उल्लेख उसकी पुस्तक में नहीं है। न्याय मीमांसा जो इतनी महत्वपूर्ण दार्शनिक हस्तक्षेप रहा, पूरी सभ्यता में न्याय मीमांसा का हस्तक्षेप रहा, उसका उल्लेख तक नहीं है। नवदीप नादिया में बंगाल से जो मेरे मित्र आते हैं, उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या ऑक्सफोर्ड नादिया का मुकाबला करता, उस नवादीप का मुकाबला करने की ताकत एक नहीं, 100 ऑक्सफोर्ड में नहीं था। दबाव, आधिपत्य, और जिसे टॉल्स्टॉय की पुस्तक का अनुवाद करते हुए, अब हम क्या करें, इस पुस्तक का अनुवाद काका कालेकर ने किया, तो उस प्रस्तावना में लिखा, उस जो शब्द का प्रयोग किया, प्रतिष्ठित अकर्मण्य। दो तरह के अकर्मण्य होते हैं, एक तो स्वभाव से अकर्मण्य होते हैं, एक ऐसे तो जो प्रतिष्ठित होते हैं लेकिन अकर्मण्य होते हैं। हम बुद्धिजीवी जो दशकों से शताब्दियों से प्रतिष्ठित अकर्मण्य बनकर रहे, ऑक्सफोर्ड को कहना चाहिए था कि नादिया ऑफ ब्रिटेन, कालिदास के बारे में कहा जाए, शेक्सपियर को कहना चाहिए था कालिदास ऑफ ब्रिटेन,
उसकी जगह कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो मैं जो कहना चाहता हूं, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, अगर नाम में कुछ गलती होगी तो बताएंगे सरकार साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से आते थे। उन्होंने मेकाले के पूरी परियोजना को एक कार्टून से दिखा दिया। उस कार्टून का नाम था विद्या कारखाना। हमारे दक्षिण के मित्र लुंगी की तरह धोती पहनकर आए, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग धोती पहनकर आए, कोई पैजामा पहनकर आए, उस कारखाने में गए और उधर से पैंट कोट टाई पहनकर निकले। उस विद्या कारखाना ने बता दिया कि मेकाले ने इस देश की विद्या के स्रोत पर, उस देश में जहां ज्ञान की परिभाषा अलग है। जब मैं डिकोलोनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो पहले मैं ज्ञान की परिभाषा स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम ज्ञान को किस रूप में देखता है और भारत ज्ञान को किस रूप में देखता है। पश्चिम में नॉलेज इज ए पावर, नॉलेज को वेल्थ की तरह ताकत माना गया। नॉलेज से करियर बनता है, नॉलेज से आधिपत्य रहता है, इसीलिए नॉलेज के खिलाफ अभियान चलता रहा। बख्तियार खिलजी ने यहां जलाया, सीजर ने अलेक्जेंड्रिया में उसके पतन का कारण बना। लेकिन हमारे यहां नॉलेज को कहा जाता है प्यूरिफायर, नॉट द पावर, प्यूरिफायर। यह भर्तृहरि ने कहा इनर सेल्फ में नॉलेज आता है। तो हम भारत में ज्ञान को आंख से नहीं, मुंह से नहीं, कान से नहीं, मस्तिष्क से देते हैं, आईज ऑफ माइंड। ज्ञान का उद्देश्य होता है मस्तिष्क में चक्षु का विकास करना, आंखों को विकसित कर देना। जब हम आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके पूरी दुनिया को देख लेते हैं, वो ज्ञान होता है, जिसको शिव ने पार्वती से कहा 120 टाइप्स मेडिटेशन। तो ज्ञान के यह दो प्रकार जो पश्चिम और पूरब का है, उसे हम भारतीयों को समझना पड़ेगा। आगे मैं दूसरी बात का जिक्र करना चाहता हूं। भारत की परंपराओं में जब न्याय दर्शन और नव न्याय विकसित हुआ, हम सब जानते हैं कि जीरो के आविष्कार से लेके इनफाइनाइट का, रामानुजम पर जब फिल्म बना तब हमें पता चला द मैन हु न्यू इनफिनाइट, उसके पहले हमको ज्ञान नहीं था। मुनि कश्यप, चार्वाक और सुश्रुत मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने दिया वह पूरी दुनिया ले गई। लेकिन मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, जो भारत की नई पीढ़ी को जानना और समझना चाहिए, जो गेमिंग में लगे हुए हैं, जो अन्य प्रकार से अपने आप उलझाए हुए हैं, सभापति महोदय, हम सबने पंचतंत्र का नाम सुना होगा। यह पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र। लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, 50 भाषाओं में 200 प्रकार के पंचतंत्र प्रकाशित हो चुके हैं, 3/4 भाषाएं भारत की बाहर की हैं। 570 में सभापति महोदय, बहुत दशकों के बाद, सदियों के बाद हमने एडी और बीसी लिखना बंद किया। बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ लिखना बंद किया, अब कंटेम्प्ररी इरा लिखते हैं, बिफोर कंटेम्प्ररी इरा लिखते हैं। आगे जाकर यह भी बदलने की जरूरत है, कंटेम्प्ररी इरा कहां से शुरू होगा? जहां से तुम शुरू होते हो या जहां से दुनिया की वैज्ञानिकता शुरू होती? हमें तुमसे संघर्ष नहीं है, इस पर हम संवाद करेंगे। लेकिन अभी आने वाले समय में यह भी संवाद सभ्यता का जब संवाद शुरू होगा तो यूरोप को हम दस्तक देंगे कि कैलेंडर भी जो है वो वैज्ञानिकता किसमें है, नक्षत्रों में है, हमारे पंचांगों में है। मैं दरभंगा गया था और एक व्यक्ति को मैंने पंचांग बनाते हुए देखा, उसको आप रिलीजन से जोड़ते हैं। जैसे दर्शन के बारे में कहा गया है, इंडियन फिलोसफी हैज लॉन्ग बीन प्रोसिक्यूटेड एज ए रिलीजियस एक्टिविटी, भारत के दर्शन को एक सांप्रदायिक प्रक्रिया बताकर उसे एक्सक्लूड कर दिया गया दुनिया के दर्शन में। उसे पढ़ते भी थे, उसको इमिटेट भी करते थे, लेकिन अपने शब्दों में व्यक्त करके हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। इसलिए कल्चर ऑफ मैथमेटिक्स भी चैलेंज में है। सभापति महोदय, जब हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं
तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वेद की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स अपने आप में प्योर नहीं होता है। सीपी राजू नाम के व्यक्ति ने इस पर बहुत काम किया, अनेक लोग काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स एक कल्चर से पैदा लेता है और मैथमेटिक्स की जो धाराएं होती हैं उसमें 90% तो वही होता है लेकिन 10% स्थानीयता से प्रभाव होता है। कैलकुलस हमें पहले मालूम था, कैलकुलस उनके पास न्यूटन से पहले कैलकुलस भारत में मालूम था। तो ज्योमेट्री हो, अर्थमेटिक हो कि अलजबरा हो, वो भारत में पहले से विद्यमान था। तो क्या ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बातें हो जाएगी? क्या सुश्रुत का नाम बिहार के दानापुर जिसका नाम खगोल था, खगोल नाम क्यों पड़ा? तरगना नाम क्यों पड़ा? 2009 में जब नासा ने कहा कि खगोल में जाकर तरगना गांव से पूर्ण रूप से देखा जाता है सोलर एक्लिप्स को, तब हमने देखा कि खगोल आर्यभट्ट की नगरी है जहां आर्यभट्ट का आज भी जन्मदिन मनाया जाता है। जिस गांव मिथिला के जिस गांव का मैंने जिक्र किया वहां न्याय दर्शन की परंपरा आज भी लोग जीवित किए हुए हैं। असम का मयांग गांव, मयांग गांव ही है तासा साहब, मयांग गांव में तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या को हमने भूत प्रेत पिशाच से जोड़ रखा है, ऐसा नहीं। तंत्र एक साइंटिफिक सिस्टम होता था। जब किसी चीज का डिक्लाइन होता है, जैसे ज्योतिष विद्या का डिक्लाइन हुआ, तो किसी की गिरावट से हम उसका मूल्यांकन नहीं करते, उसके अच्छे दिनों में उसके अच्छे परिणामों से उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन वह गांव को हम भूल गए, उस अध्ययन का केंद्र सिर्फ विदेशी पर्यटकों का रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। सभापति महोदय, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जब हमारे पास साधन और संसाधन का अभाव था, तब राजेंद्र लाल मित्रा, नवागोपाल मित्रा, राजनारायण बसु, बीसी पाल, आर के भंडारकर, वी वेंकैया, बाद में दयानंद सरस्वती, लाजपत राय, तिलक, महर्षि अरविंद, विवेकानंद, एक बड़ी श्रेणी चली जो भारत की संस्कृति को, कला को, साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहे। तब न हमारा हमारी राज्य थी, न हमारा शासन था, न हमारे पास संसाधन था। यह कहते हैं पीढ़ियों की इच्छा शक्ति। यदि सभ्यता को बनाने की इच्छा शक्ति होती है तो तिलक पैदा लेता है, तब लाजपत राय पैदा लेता है, तब दयानंद सरस्वती पैदा लेता है, तब आर के भंडारकर पैदा लेता है। हमने 1915 में जो बिहार से बंगाल से लोग आते हैं जानते हैं, केपी जायसवाल। मैं केपी जायसवाल का नाम इसलिए उल्लेखित करना चाहता हूं, केपी जायसवाल 1915 में बिहार ओडिशा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 2 साल बाद आर के भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पुणे में हुई। ज्ञान की जो ये परंपरा है वो अखिल भारतीय है, वो किसी एक सीमाओं तक सीमित हुआ नहीं है। मैंने जो केपी जायसवाल का नाम लिया, पेशे से लॉयर थे, वो ज्ञान की भारत में विधा क्या है, उनको संस्कृत किसने पढ़ाया, किसने डिप्लोमा नहीं दी, किसने डिग्री नहीं दी। वह व्यक्ति, एक बाबा जो उनके घर पे आता था उसको बाल्टी बाबा कहते थे, उन्होंने उन्हें संस्कृत सिखाया, संस्कृत पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड से लौट कर आए, 1913 में उन्होंने पहला लेख लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू पॉलिटी इन मॉडर्न रिव्यू, जो रामानंद चटर्जी निकालते थे। मॉडर्न रिव्यू को हम सब जानते हैं कि मॉडर्न रिव्यू ने किस प्रकार से दुनिया के में भारत की संस्कृति को, भारत के स्वतंत्रता स्वाधीनता के आंदोलन को किस मौलिकता के रूप में रखा। तो हिंदू पॉलिटी में, आज मैं उल्लेख इसलिए कहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार, मैं ये नहीं मानता कि बाकी लोग नहीं मानते थे, लेकिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन और सदन के बाहर डंके की चोट पर कहा कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र का प्राचीनतम घर है। यह समाजशास्त्र की किताब में कहीं एक पंक्ति आती थी, उसे वैशाली और मगध वैशाली दो लक्ष्मी के गणतंत्र का सिर्फ उल्लेख होता था। मैं उस उल्लेख से बाहर जाना चाहता हूं कि हमारे गणतंत्र, हमारे, मैं बस 5 मिनट में सभापति महोदय खत्म करता हूं। यू कैन रिप्लाई आफ्टर एवरीबॉडी, लेकिन मैं इस विषय को 5 मिनट मुझे दीजिए।
जो ही कैन यस टाइम टू रिप्लाई आवर जो लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा प्लीज कंक्लूड इन टू मिनट्स देन यू कैन केपी जायसवाल जी ने उस पुस्तक में जो बात लिखी वो पुस्तक 1934 में छपी 1924 में छपी 1924 में किताब छपी और उसकी पुस्तक वो उस व्यक्ति ने जो काम किया शोध किया इसको कहते वर्क फिलोसफी विद द पैशन उसमें तीन बातों का जो उल्लेख किया मैं उसका कहना चाहता हूं। भारत में सभा समिति वैदिक युग में हम सब जानते हैं जो गणतंत्र था गणतंत्र के प्रकार क्या थे। हमारे यहां वैसा भी गणतंत्र था जिसमें राजा नहीं था उसको हम अराजक गणतंत्र कहते थे। हमारे पास ऐसा गणतंत्र अवंतिका का था जिसमें एक नहीं दो राजा होते थे हमारे यहां ऐसा गणतंत्र था जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रूल करता था। हमारे यहां ऐसा गणतंत्र था जिसमें युवराज और राजा के बीच में निर्णय होता था किसका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। उसके घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अशोक ने एक बार निर्णय लिया, अशोक के निर्णय को जब कैबिनेट ने डिस्कशन किया तो युवराज को उसने बताया, युवराज ने कहा यह राज्य के हित में नहीं, राज्य के ट्रेजरी से पैसा नहीं जाएगा। तो अशोक को जब कहा गया इस पर पुनर्विचार कीजिए तो अशोक ने कहा था आई एम सोवरेन ऑफ द हाफ एप्पल, मैं आधे सेब का ही मालिक हूं, आधे क्षेत्र का ही मालिक हूं। यह जो गणतंत्र है, यह जो राजतंत्र है और राजतंत्र की जो अपनी परिभाषाएं थी, आज दुनिया के सामने चाहे ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या हार्वर्ड हो, वहां भारत के इस विमर्श को आगे ले जाना पड़ेगा। और अंत में मैं एक बात जो कहना चाहता हूं सभापति महोदय सिन्हा जी, पूरे देश में ज्ञान के प्रति जो आकर्षण था, ज्ञान के प्रति उस आकर्षण का एक घटना का जिक्र सुनना चाहिए। केलर में गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक, 64 गांव बसाए गए थे। वे गांव उन स्कॉलर्स के थे जो स्कॉलर विभिन्न भागों से केरल पहुंचे थे कई कारणों से, कहीं प्रोसिक्यूशन हो रहा था, कहीं सुविधाएं नहीं मिली थी। 64 विलेजेस गांव को बसाया गया था गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक। वहां एक जो साउथ का नालंदा कहा जाता है कंथालूर साला, उसमें 64 ब्रांचेस थे, चारवाक वहीं से अध्ययन करके आए। तो जो अध्ययन की परंपरा है और अध्ययन को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है उसकी दो तीन नाम मैं ले रहा हूं। चौखंबा प्रकाशन यदि काशी से ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करता था जो नई पीढ़ी को भारत की संस्कृति का ज्ञान कराए, तो दूसरी तरफ डीएवी कॉलेज का रिसर्च डिपार्टमेंट लाहौर से किताबें प्रकाशित करता था, पुणे से एक आश्रम के द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जाती थी। तो पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ज्ञान के प्रति वही ललक थी। सिन्हा जी एक मिनट, योर रेजोल्यूशन इज मूव्ड नाउ, एनी मेंबर डिजायरिंग टू स्पीक एंड द मिनिस्टर ऑल्सो कंसर्न मे डू सो आफ्टर मूविंग नाउ यू कैन डेफिनेटली स्पीक आफ्टरवर्ड। आई एम कैलकुलेटिंग जस्ट बस दो टू मिनट्स आई एम कैलकुलेट। No, there are lot of speakers. Lot of speakers are there. Just 1 minute, give me. Ah, yes. You finish in 1 minute. I will call the next speaker. यह जो उपनिवेशवादी ताकत से और प्रवृत्ति से हम नहीं निकल पाए उसकी उस घटना से हम सब समझ सकते हैं। आजादी के बाद मोहन लक्ष्मण रानाडे गोवा मुक्ति संग्राम में थे और जेल गए। 1962 में हमने 4000 गोवा के सैनिकों को भारत से छोड़ दिया। जब मोहन लक्ष्मण रानाडे की मुक्ति की बात आई तो हमने कोई शर्त नहीं रखी। 22 नवंबर 1966 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 7 अगस्त 1969 को राज्यसभा में जॉर्ज, लोकसभा में जॉर्ज फर्नांडिस ने, और 6 अगस्त 1969 को सेजवाल साहब ने लोकसभा में सवाल उठाया कि हमने मोहन लक्ष्मण रानाडे को क्यों नहीं छोड़ा। वो घटना कितनी दर्दनाक है सभापति महोदय आप सुन लीजिए। मोहन लक्ष्मण रानाडे की मां रमाबाई की आंखें की रोशनी जा रही थी, इकलौते बेटे थे।
उन्होंने भारत सरकार से कहा कि मेरी आंख की रोशनी जा रही है, रेड क्रॉस सोसाइटी ने उनका एक पत्र बनाकर भेजा पुर्तगाल के पास कि इसके पहले कि उनकी आंख की रोशनी चली जाए वो अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं। पुर्तगाल ने उसको खारिज कर दिया। हमारी सरकार रिहा नहीं करवा पाई। ये जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं के कारण आजादी के बाद जब कॉमनवेल्थ का सदस्यता ली जा रही थी, जब सीपीएम के सुंदरैया से लेकर भारतीय जनसंघ के लोगों ने कहा कि जिस कॉमनवेल्थ का आप सदस्य बन रहे हैं उसका उसका हेड मोनार्क है, जो संशोधन हुआ है वो संशोधन सिर्फ सिर्फ फेस सेविंग है, जिस कॉमनवेल्थ का मेंबर बन रहे हैं वह देश आपको लूटता रहा है, आपको घसीटता रहा है, तो यह जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से निकलने के लिए आज देश को आत्मविश्वास चाहिए, देश को आत्मबल चाहिए। और इसी आत्मविश्वास आत्मबल के साथ हम अपने ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएं, ज्ञान की उन चीजों को आगे बढ़ाएं जो देश को एक सभ्यताई राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने विमर्श में रखे। इसी के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।